ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट को लेकर के इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। बताइए, हर 5 साल में चुनाव हो जाता है, कोरोना के टाइम पर भी चुनाव हो गया, सब कुछ बंद रहा, देश में जनगणना नहीं हुआ लेकिन चुनाव हुआ टाइम पे। तो जब 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, 5 साल में जो है MP बदल जाते हैं, MLA बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है, तो एग्जामिनेशन क्यों नहीं टाइम पे हो सकता है? एग्जामिनेशन का ऑलरेडी एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और दूसरा, बार बार जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जो परीक्षा में धांधली होती है, उसमें हम एक नए कड़े कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। और हमने भर्ती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग शिक्षा माफिया हैं उनका सरकार से सीधे सांठगांठ है, वो नेताओं से मिले हुए हैं, नेताओं से मिल करके जो है वो पूरा का पूरा जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक बात और जानकारी साझा कर दूं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी ने ये कमिट किया कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर लाएंगे, हम जो है नए आयोग का गठन करेंगे, समय पे जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और कोई भी गड़बड़ी करने वाले किसी भी नौकरशाही के ऊपर, किसी भी जो है कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सिर्फ जो है बयानबाजी से, बतौलेबाजी से काम नहीं होगा, ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियाँ इस लेवल पर अगर पाई जाए, तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेशल होना चाहिए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।